Hi, welcome in this video. In this video, we're going to talk about CEH version 11, yani ki Certified Ethical Hacking version 11 ka jo certifications hai, uske liye kya criteria hai, kya objective hai, aur kya kya cheeze hame isme seekhne mein milti hain. Usse pehle, agar aap CEH padh ke is video pe click kar rahe ho, that means you already know ki Certified Ethical Hacking ka jo certification hai, uski validation actually mein kya hai. But in case agar aap nahi jante ho, to aap agar placement ki baat karo, is industry mein, IT industry mein, IT security industry mein basically, agar aap chahe Microsoft ki baat karo, हो MNCs में जितनी भी बात कर लो, आप सिस्को की बात कर लो, इंफोसिस की बात कर लो, कहीं भी अगर आपको आईटी सिक्योरिटी या फिर एथिकल हैकिंग के फील्ड में जाना है, इससे बेटर वैलिडेशन आपको और कोई सर्टिफिकेशन आज की डेट में प्रोवाइड नहीं कर रहा है. सो लेट्स क्विकली चेक इट आउट, क्या है ये सर्टिफिकेशन, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, क्राइटेरिया क्या क्या है और क्या हमें इसमें सीखने को मिलता है. सबसे पहले अगर इस सर्टिफिकेट के बारे में बात करूं तो ईसी काउंसिल जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको ये प्रोवाइड करता है और ये मोस्ट ट्रस्टेड सर्टिफिकेट है एथिकल हैकिंग के टर्म में. अगर मैं बात करूं तो जो इसकी ट्रेनिंग है, बेसिकली वो जो ट्रेनिंग है वो इतनी हार्डकोर होती है कि आपको एकदम एक हैकर की तरह, ना कि आपको एक एथिकल हैकर की तरह ट्रेन करते हैं. रीजन इज कि जब भी आपको अगर एथिकल हैकिंग सीखनी है, दैट मीन्स यू वांट टू पेनेट्रेट समथिंग, राइट? तो अगर आपको पेनेट्रेट करना है तो पहले आपको पता होना चाहिए कि वो पेनेट्रेट एक्चुअली में होता कैसे है, तब तो आप उसकी टेस्टिंग करोगे. तो ये जो ट्रेनिंग मिलती है सर्टिफिकेशन के आपको पूरे इस कोर्स के दौरान, वो आपको एकदम एक हैकर की तरह ट्रेनिंग मिलती है. दूसरा, एक रियल टाइम एनवायरमेंट ट्रेनिंग मिलती है. ये नहीं कि कुछ बने बनाए सेट ऑफ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना है, कुछ ऐसे टेम्परेरी सेटअप्स हैं जिसमें आपको बार बार प्रैक्टिकल करके हो जाएगा, ये सब कुछ नहीं. रियल टाइम एनवायरमेंट में, रियल टाइम वर्किंग प्रोजेक्ट्स में आपको हैकिंग करके, पेनिट्रेशन टेस्टिंग करके, एसक्यूएल इंजेक्शंस, वो सारे इस कोर्स में आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में, रियल लैब में कराए जाते हैं. अगर इसकी रिक्वायरमेंट की बात करें तो रिक्वायरमेंट में सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है, या तो आपके पास ऑफिशियल ईसी काउंसिल जो ट्रेनिंग अरेंज कराता है, या वो वर्चुअली हो या फिर आप फिजिकली अटेंड करो, क्योंकि कई जगह अलग अलग सिटीज में इनके पार्टनर्स भी फ्रेंचाइजी लेकर के पूरा कोर्स प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए पढ़ाते हैं. तो या तो ऑफिशियल ईसी काउंसिल की जो ट्रेनिंग है वो आपको पूरी आपके पास होनी चाहिए, उसकी ट्रेनिंग के बाद ही आप एलिजिबल होते हो. अदरवाइज आपके पास एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आईटी सिक्योरिटी के फील्ड में काम करते हुए, और उसके बाद भी सिर्फ जो सेकंड वाला मैंने बताया, यानी कि एक्सपीरियंस वाला जो है आईटी सिक्योरिटी में, वो आपका डायरेक्ट वैलिड नहीं होता है. आपको पहले रजिस्टर करना पड़ता है, मेल करना पड़ता है. अगर वो मेल एग्री होता है ईजी काउंसिल की तरफ से, ऑब्वियसली देन ओनली यू कैन अपीयर इन दिस एग्जाम. बात अगर करें ऑब्जेक्टिव की, कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों वर्जन 11 सीखना है और इतनी वैलिडेशन क्यों है मार्केट में इसकी, द रीज़न इज कि आपके इसके अगर टॉपिक्स आप देखोगे तो इंटायर बिगनर से लेकर के एडवांस तक पूरा कवर रहता है. और टॉपिक्स जो आपको देखने को मिलेंगे तो उसमें एथिकल हैकिंग कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट उसमें जितने भी होते हैं, साइबर किलिंग चैन कॉन्सेप्ट, यानी कि कौन कौन से जितनी भी साइबर किल चैन का जो अगर आपको आइडिया होगा, तो कैसे कैसे हम प्रिवेंशन के लिए वन बाई वन स्टेप करके, जो 7 स्टेप्स होते हैं बेसिकली साइबर किल चैन के, वो सारे के सारे स्टेप्स आपको कैसे प्रिवेंशन करनी है, वेरियस लॉज ऑफ आईटी, दैट मींस कि किस किस आपको, अगर आपको अगर एथिकल हैकर हो, राइट, तो आपको सारे लॉज पता होने चाहिए आईटी के, कि किस लॉज के अंडर में आपके पास कितनी ज्यादा अथॉरिटी है ब्रेक इन करने के लिए, राइट. फुटप्रिंटिंग कॉन्सेप्ट, फुटप्रिंटिंग पता होगा कि जो भी हम यूजर का डेटा जो इंजीनियरिंग के थ्रू कलेक्ट करके उसकी फिर फुटप्रिंटिंग करते हैं, राइट. नेटवर्क, होस्ट, पोर्ट स्कैन, कैसे पोर्ट स्कैन करके हम पोर्ट फॉरवर्डिंग्स करके नेटवर्क को स्कैन करके होस्ट से किस तरीके से हम पूरा वो सारा पढ़ने के लिए मिलता है, राइट. डीएनएस कैश स्नूपिंग जो कि काफ़ी लेटेस्ट है. डीएनएस में बेसिकली आपको पता होगा कि बहुत सारा ये जो ब्राउजर अपना डीएनएस से कनेक्शन करके जो कैश बेसिकली क्लियर करता है, जो भी अपना कैश स्टोर करके रखता है आपके नेक्स्ट टाइम के लिए, उस कैश में ऐसा बहुत सारा डेटा होता है जिसको आप स्नूपिंग करके अकॉर्डिंगली अपना जो भी आपका टारगेट है उस पर आप अपना फोकस कर सकते हो. सो वो कैसे कैसे क्या सारी चीज़ें होती हैं वो भी आपको उसे पढ़ने के लिए मिलता है. फाइल लेस मैलवेयर, यानी कि जितनी भी ज़्यादा विदाउट एनी फाइल के, किसी भी बिना फाइल के पास किए, कैसे आप किसी सिस्टम में मैलवेयर डालते हो, कैसे उसे यूज़ करते हो. सोशल इंजीनियरिंग बहुत पता ही होगा, काफ़ी वेल नोन और काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी होता है. DOS या DDoS अटैक जिसे बोलते हैं, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, इसके बारे में शायद आपको पता होगा, कैसे हम सारे ट्रैफिक को एक ही पाथ पर भेज करके कैसे ट्रांसफ़र करके वेबसाइट डाउन करते हैं, या उससे प्रिवेंशन कैसे करनी है, दोनों ही चीज़ें, क्योंकि अल्टीमेटली आप हो एथिकल हैकर जो उस कंपनी की सिक्योरिटी करने वाले हो, राइट. वेब सर्वर अटैक, राइट, आज के डेट में जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, या किसी एक कंपनी की अगर आप पर्टिकुलर एग्जांपल पे देखोगे तो उसकी जो वेबसाइट होती हैं, उसकी ऐप होती हैं, और उसके बेसिकली जितने भी IoT प्लेटफॉर्म हैं उनका जो मेन सर्वर होता है वो सेंट्रलाइज्ड ही होता है.
सो अगर डायरेक्टली आप सर्वर को किसी तरीके ब्रेक इन करते हो, दैट मीन्स आपके पास उसकी जितने भी IoT एसोसिएट्स हैं सबकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, राइट? तो कैसे उसको अटैक करना है या फिर कैसे उसे हमें सेव करना है, आप जिस भी कंपनी के लिए बेसिकली काम कर रहे हो। एंड्रॉयड और IOS अटैक, ये तो नाम से समझ में आ रहा है क्या है। IoT सिक्योरिटी, क्योंकि सबसे लेटेस्ट आज की डेट में बहुत सारी IoT, अब चाहे वो आप ये अपनी स्मार्ट वॉच की बात कर लीजिए या फिर आपकी जितनी भी, चाहे वो TVs की बात कर लीजिए, हर चीज़ में इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो रही है। तो अगर इंटरनेट की कनेक्टिविटी है तो दैट मीन्स वहाँ पे नेटवर्क की सिक्योरिटी भी आपका कहीं ना कहीं काम ज़रूर पड़ेगा। SQL इंजेक्शन क्या होते हैं, आपको मैंने पहले भी शायद लास्ट वीडियो में भी बताया हुआ था कि जो भी DB होता है, बेसिकली SQL एक क्वेरी लैंग्वेज होती है DB से डेटा फैच करने के लिए या स्टोर करने के लिए। तो जो भी वो डेटा है, हम somehow कुछ ऐसा डेटा उसमें पास करते हैं उस DB में ताकि वो DB करप्ट हो जाए और हमारा जो भी टारगेट है हम उसे अचीव कर सकें। सो ये सारी चीज़ें बेसिकली, और ये तो मैंने वो चीज़ें कलेक्ट करके आपको बताई हैं जो मेनली जो एकदम नोटिस पे हैं, राइट? अगर आप देखोगे तो और भी ज़्यादा वास्ट सिलेबस है और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। सो या आई थिंक वर्जन 11 के लिए जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो इसमें सफिशियंट मैंने आपको बता दी कि क्या क्या चीज़ें, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव हैं, कैसे आप अपीयर हो सकते हो एग्जाम के लिए, क्या सर्टिफिकेशन का रोल है। अब आप बेसिकली, मैं डिस्क्रिप्शन में इसी काउंसिल वाले का लिंक दे दूंगा, आप उस वेबसाइट पर जाकर के, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर फी स्ट्रक्चर के लिए किसी के मन में कोई क्वेश्चन है तो वो आप इनकी डायरेक्टली जो एक सब क्वेरी वाला फॉर्म है वो आप सबमिट कर सकते हो। विद इन 24 आवर्स आपके पास मेल आ जाता है, मेरे पास भी आ गया था। वो जो मुझे प्राइस कोड्स उन्होंने शेयर किए थे इस पूरे एग्जाम के लिए या इनकी ट्रेनिंग के लिए, वो मैं शेयर नहीं कर सकता क्योंकि उस ईमेल में स्पेसिफिकली लिखा हुआ था कि ये आपका इंडिविजुअल एक कम्युनिकेशन है, इसे आप किसी भी तरीके से किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते हो। दैट्स व्हाई आई एम नॉट शेयरिंग, बट जस्ट आई एम अश्योरिंग यू कि आप उसे एक बार को क्वेरी फिल फॉर्म करें, अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है उसमें डालें, विद इन 24 आवर उनके पास से बकायदा ईमेल आ जाता है आपके पास कि क्या कोर्स है, कहाँ पढ़ सकते हो, कैसे पढ़ सकते हो, ऑनलाइन करना है, कहाँ से करना है, ईच एंड एवरीथिंग। सो या इफ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ यार लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और कुछ क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। उत्कर्ष दिस साइड साइनिंग आउट।